यहाँ पर आपको आने के लिए सबसे पहले अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो में चयन करना पड़ेगा। रिठाला मेट्रो स्टेशन सबसे नियर बाय है। और दूसरा, अगर आप लोकल ट्रेनों से या दूर से आ रहे हैं, बाहर से, तो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, तो आपके लिए सुकून बस्ती की एक ट्रेन मिलेगी मेट्रो रेलवे स्टेशन। और दूसरा है समयपुर बादली और खेड़ा, ये ही दोनों रेलवे स्टेशन है तीन, जो आपको लोकल ट्रेन वगैरह का मिलेगा बाहर से जाते हैं। आपको यहाँ पर आइए और आके अपने प्रभु का नाम लीजिए। और आप भी आइए पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ आइए, बच्चों को भी लाइए। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सुविधा दी गई है, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, मेला लग चुका है पूरा, जो रात को चालू हो जाएगा। जय देखिए महाराज जी आने ही वाले हैं। टाइम है उनका 4 बजे का। सबसे पहले ध्वजारोपण होगा, यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 15 अगस्त। और कल हमारे साथी ने आपको बता ही दिया है, कल यहाँ पर कन्या विवाह और किन्नर सम्मान समारोह होगा, तो आप सभी आइए। देखिए बच्चों के लिए सुंदर सुंदर मेले का आयोजन हो गया है, शाम को ये शुरू हो जाएगा, बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, सभी झूला झूलेंगे, कई तरीके से झूले हैं। और थोड़ा सा बलून भी दिखाइए, देखिए महाराज जी किस तरीके से आसमान में घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए हमको दिव्य चमत्कार दरबार में डलती है, इतनी परफेक्ट है कि इतनी तेज कलिमा बारिश हुई कि उसका भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बूंद पानी अंदर नहीं आया इसके अंदर। और बारिश कहते हैं कि कल इतनी तेज थी, देखा हमने कि जैसे मान लो तूफान में बारिश आती है, वो बारिश नहीं थी, सारे में आस पास के एरिया में दलदल सा हो गया था, चला भी ज्यादातर अच्छे मान लीजिए, लेकिन यहाँ इसके अंदर एक बूंद पानी नहीं। चलो चलिए सारे दरबार में कब्जे आ चुके हैं, चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी। भगूती आई हुई है बागेश्वर धाम से, जिसका यहाँ पर वितरण होगा, पैकिंग चल रही है, महाराज जी इसमें मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे, फिर सभी को बांटेंगे। ये विभूति बागेश्वर धाम से ही पैकिंग चल रही है। आइए हम इन्हें मिलाते हैं, आप उनसे मिलिए, ये हमारी माता जी है, माता जी से मिलाइए। माता जी कहाँ से आए हो आप? यमुनानगर जगाधरी। कहाँ से बोले? यमुनानगर जगाधरी, ये हरियाणा में। तो ये बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ऐसे सभी दुखी भक्तों पे कृपा बनाए रखना और सभी दुखों को दूर करना। आइए गाइस, आपको लेकर के दरबार की तरफ, और वहाँ भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनसे परिचय कराते हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इन लोगों से किस तरीके से बात की जाए, कोई कैमरे के सामने आने नहीं पाता है। तो मैं अपनी बहन जी से पूछना चाहती हूँ कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से। थोड़ा तेज बोलेंगे। हरिद्वार से। ये हमारी बहन हरिद्वार से आई है, और किस लिए आए हो यहाँ पे? बाबा जी की कथा सुनने के लिए।
देखिए सभी लोग इसीलिए आते हैं, कुछ कथा सुनने आते हैं, कुछ दर्शन करने आते हैं और कुछ अपने संकटों को कटवाने आते हैं। इधर दिखाइए, दरबार दिखाइए। कलेक्ट रखे हैं यहाँ पर भव्य यात्रा हमारी कलेक्ट की, कम से कम 5,000 जिन्होंने कलश उठाए थे, भव्य कलश यात्रा निकली थी, कलश की यात्रा निकली थी। हमारी बहन जी कुछ बोलना चाहती हैं दीदी, थोड़ा सा इनका सेवा करने आई हूँ मैं तो, यहाँ सेवा करने आई मैं तो, इतनी बीमार थी अब ठीक हूँ मैं, बाबा जी ने गुरु जी ने दया करी मैं ठीक कर दूँ। जो भी आपका चमत्कार हुआ है, दर्शन मिला हुआ अभी दर्शन नहीं है मेरे गुरु जी के होंगे दर्शन, लेकिन हाँ शक्ति मैंने पूरी देखी शक्ति पूरी। मैं तो ऐसी थी, मैं तो इतनी दीवानी हो रही थी, 3 MP के थे ना वो जानने वाले थे हमारे, 3 MP के आदमी थे तो वो मान नहीं रहे थे। मैंने उनको बोला कि तुम्हारे बाबू के धाम में तुम्हारे MP में ना सत्संग होता है कथा होती है, वो मान नहीं रहे थे। और जब मैंने उनको बोला ना वो मानने लगे, कह रहे बहन जी आपने बोला था ना तो हम भी जाते हैं, वो गए सत्संग में सुन कर भी आए, कथा भी सुन के आए और गए वो, और कह बड़ी शक्ति है गुरु जी मेरा आप भी जाओ। और कल भी परसों फोन आया ना मेरे पास कि बहन जी आपकी दिल्ली में सुस्त हो रही है कथा, आप दिल्ली में जाओ। जय हो बाबू श्री राम जी, बालाजी महाराज की जय। आपको इन्होंने दिव्य चमत्कारों के बारे में बताया है, जो इस दरबार से मिलता है लाभ होता है, सारे शरीर से कष्ट निकल जाते हैं, रोग निकल जाते हैं, और बाबा के दर्शन करने से, गुरु महाराज जी के दर्शन करने से आप बीमार नहीं होते। बोल बाबू श्री राम जय।